हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 1 से परिमेय संख्याएं। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं का क्रमयोजन सीखेंगे और उसके अनुसार हम परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी लगाएंगे और देखते हैं कि इसका काम हम किस तरीके से आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हमें परिमेय संख्याओं का क्रमयोजन सीखना है, तो इसमें पहले हमें दो मुख्य बातें हैं वो समझनी बहुत जरूरी है। प्रत्येक धन परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है और दूसरा है प्रत्येक ऋण परिमेय संख्या शून्य से छोटी होती है। बाकी हम काम करते करते और अच्छे से सीख जाएंगे। तो अब हम अभ्यास 1 सी के कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखें। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्या में कौन सी बड़ी है। हमें बड़ी संख्या ढूंढनी हो या हमें छोटी संख्या ढूंढनी हो, हमें पहले उसके हर को बराबर करना होगा। तो पहला है का -4/9 और दूसरा है 7/9। तब हमें हम सबसे पहले देखेंगे हर मेरे बराबर है, तो जो प्लस की संख्या होती है वो बड़ी होती है हमेशा। तब क्या होता, इसका आंसर क्या निकला, 7/9 मेरी बड़ी संख्या है। इसी तरीके से आप इसको देखो, खा -3/4 -5/8। तो पहले हमें यह हर बराबर कर लेने हैं। अब आप ये देखो कि 4 कब 8 के बराबर हो सकता है, 2 से गुणा करने पे बराबर हो जाएगा। तो 2 की गुणा ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी कर देंगे, तो कितना आया, -2/6/2 और ये -5/8 है। अब हर बराबर हो गया। अब हमने अभी क्या सीखा है कि जो संख्या माइनस में जितनी होती है, ऋणात्मक जितनी ज्यादा होती है वो उतनी ही छोटी होती है। इसका मतलब यहाँ पे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, -5/8। तो आंसर क्या बना, -5/8। अब गा देखो, -7/12 और 5/-8। तो बच्चों, हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो हमें हर भी बराबर करना है और हमें ये माइनस भी प्लस में बदलना है। तो लासा निकाल लो, 8 का हो गया 2 × 2 × 2, 12 का हो गया 2 × 2 = 4, 3 × 12 है ना, 2 × 2 = 3। तो लासा क्या निकला, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 8, 3 = 24, 24 आया। ठीक है, तो 12 में मैं कितने की गुणा कर दूँ कि 12 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि 24 हो जाए, 2 की। तो 2 की गुणा ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -7/2 कितना हो गया, -14 है, और 12/2 कितना हो गया, 24, 12 × 2 = 24। अब इधर देखो, 5 × 3 × -1 और यहाँ पे 8 में मैं कितने की गुणा करूँ कि वो 24 हो जाए, तो वो संख्या 3 है ना, तो इसलिए 3 की गुणा ऊपर भी कर दी, नीचे भी कर दी, और -1 की गुणा ऊपर भी कर दी, नीचे भी कर दी, क्योंकि मुझे हर को प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हमने कर दिया, -8/3 × -1, तो कितना हो गया, -5/15 -+ हो गया, 8 × 3 = 24। तो यहाँ पे अब आप ये देखो कि -15 है और इधर -14 है, तो हमारी -14/24 ये बड़ी संख्या है। ठीक है, जो छोटी है वो बड़ी है और जो बड़ी संख्या है वो छोटी हो जाएगी ऋणात्मक के समय। अब घा देखो, -5/9 -3/-13। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो 13 × 117 यही लेना पड़ेगा, और ये माइनस को मुझे प्लस बनाना है। अब मैं क्या करूँगी, 13 की गुणा इधर दोनों में कर दूंगी और 9 की गुणा इधर दोनों में कर दूंगी और साथ ही -1 की गुणा भी कर दूंगी। ठीक है, तो -5/13/9 × 13 इधर -3/9 × -1 / -13/9 × -1, तो कितना हो गया, -13/65/13 × 117। ठीक है, इधर -+ हो गया, 3 × 27 यहाँ -+ हो गया, 13 × 117। तो जो प्लस होता है, प्लस की जो परिमेय संख्या है वो बड़ी होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया 27/117, यह बड़ी संख्या है। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो काम हमें वैसे ही करना है जैसे अभी हमने किया है। तो पहला है -4/9 और 5/9, तो जब हर बराबर है तो हमें ये ऋणात्मक दिखाई दे रही है, तो यही छोटी है ना, यही तो हमने सीखा हुआ है अभी तक, तो आंसर हुआ -4/9। अब इधर देखो, इधर भी हर बराबर है, बस इसको प्लस बनाना है, तो प्लस बना लो, -7/-1/-11/-1, तो कितना हो गया ये, -+7/-11/-11। तब यहाँ पे कौन सी छोटी है, है ना, 6/11 छोटी है कि 7/11 छोटी है, कौन सी अंश को देखो, कौन सी संख्या छोटी है, 6, तो आंसर क्या बना, 6/11 ये परिमेय संख्या छोटी है। अब इधर देखो, ये है 16/-7/3। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, पहले तो -7 को प्लस में बदल लो। ठीक है, -1/16/-1/-7, तो ये क्या हो गया, -16 = 16 और -+ 7 = 7, और ये पूरा पूरा 3 है। तब
हमें वैसे ही पता चल रहा है कि माइनस की संख्या छोटी होगी ही होगी, ठीक है। तब आंसर क्या बना, -16/7 ये मेरी छोटी परिमेय संख्या है। घात देखो, 4/-3 और -8/9, तो इसको मुझे प्लस भी बदलना है। और मैं ये भी देखूंगी हर बराबर करने के लिए कि 3 में मैं कितने की गुणा कर दूं कि वो 9 के बराबर हो जाए, तो 3 की ही गुणा कर दूं, ठीक है। तो 4×3×-1/-3×3×-1, तब क्या हो जाएगा, -4×3=12 और इधर --+3×3=9, अब इधर -8/9। अब हमने अभी तक क्या सीखा कि जो माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी होगी, है ना, और जो छोटी होगी संख्या माइनस में वो बड़ी होगी। तो आंसर क्या निकला, -12/9 छोटी परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। बच्चों तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। तो पहला है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे है 2/-9, है ना, 6/27, 2/9, 4/18, तो इसको पहले सरल कर लो, ठीक है। तो -4/18 का हमने मासा निकाला तो वो आया 2, तो 2×4 = 18 कितना गया, -2/9। अब हमें यहाँ पे तो कोई भी माइनस में नहीं है सिवाय इसके, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि हमारा का उत्तर सही है। लेकिन क्योंकि इसी की तरह अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँगी, -1 की गुणा ऊपर नीचे भी कर दूंगी, तब देखो मेरा आंसर 2/-9 आ गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, पहला। पे खा देखो, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, तो ये सभी विकल्प है, है ना, हल किया 3/5 में, इसको पहले सभी के हर 10 है ना, तो हम इसको 10 बना लेते हैं पहले। कब 10 बनेगा, जब इसमें 2 की गुणा कर देंगे, तो 2 की गुणा ऊपर नीचे कर दो, 3×2/5×2 कितना हो गया, 3×6/5×10, तो बच्चों 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। 4 तो छोटी है, 4/10 छोटी है, -4/10 भी छोटी होगी और 6/10 बराबर है, तो कौन सी हो गई यहां पे, चौथी, 7/10 बड़ी परिमेय संख्या है। अब ये इसको देखो, गा को परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसको पहले हम एक यहाँ पे देखेंगे, 18 हर है और 27 भी है, तो हम दोनों तरीके से देखते हैं, कब ये 18 हो सकता है, जब इसमें 2 की गुणा ऊपर नीचे कर दी, तो 4×8 और 9×18, एक तो ये बात हो गई, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब हमें 27 भी करके देख लेना है, तो कब 27 होगी ये संख्या, जब 3 की गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, तो 4×3=12/9×3=27, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि छोटी मतलब कि इससे छोटी कौन सी है, तो 8/18 से छोटी तो ये है, माइनस वाली सबसे छोटी होगी, है ना, और 27 देख लेते हैं, 12/27 तो ये तो बराबर है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमें, छोटी परिमेय संख्या तो -11/18 होगी, ठीक है, क्योंकि 13 और 11 तो पहले से ही ये प्लस का है और ये भी प्लस का है और ये बड़ी है, माइनस वाली ही छोटी होगी, ठीक है। बच्चों घात देखो, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, तो बच्चों इसका आंसर तो 0 ही आएगा, चाहे हम कुछ भी करें 0 ही आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि माइनस वाली जितनी भी संख्याएँ हैं या जो भी संख्याएँ हैं वो सभी के सभी 0 से तो छोटी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्लस बना लो पहले, तो -1 की गुणा ऊपर भी की नीचे भी की, तो ये +2/7 हो गए। क्या पता चलता है, 2/7 जो प्लस में संख्या है वही बड़ी संख्या है, है ना, इसको मैंने प्लस बना लिया ना माइनस की गुणा करके, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये तो सब छोटी होंगी, लेकिन मेरी कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये -2/-7 ये मेरी बड़ी परिमेय संख्या है, ठीक है।